नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरी विशेष। आज दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार का जन्मदिवस है, यानी कि रजनीकांत जी का जन्मदिवस है और हमारी पूरी खबरी टीम की तरफ से उनको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनीकांत यानी शिवाजी राव गायकवाड़ भारतीय फिल्म जगत के एक जाने माने अभिनेता हैं, जो कि मुख्यतः तमिल और हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। इन्हें दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु में, भगवान की तरह पूजा जाता है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को महाराष्ट्रीयन मराठा हेंद्रे पाटिल मराठा समाज मैसूर में हुआ। रजनीकांत का पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। पिताजी रामोजी राव और मां का नाम जीजाबाई गायकवाड़ है। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। जब वो 5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के आचार्य पाठशाला में पूरी की। फिर वो रामकृष्ण मिशन की एक इकाई विवेकानंद बालक संघ में गए। वैसे तो उनकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन इसमें उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है। वहीं सुपरस्टार बनने का सफर इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू करने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए कंडक्टर के रूप में सेवाएं दी। इस दौरान ही उन्होंने विभिन्न मंचों पर अभिनय और स्टंट किया। रजनीकांत ने लता रंगाचारी से 26 फरवरी 1981 तिरुपति आंध्र प्रदेश में शादी की। साउथ के अलावा बॉलीवुड के लिए रजनीकांत एक लोकप्रिय चेहरा है। दक्षिण के लोग उन्हें रजनी सर के नाम से बुलाते हैं। प्रशंसकों की संख्या काफी ज्यादा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबे करियर के दौरान उनकी झोली में कई पुरस्कार आए, जो कुछ इस तरह से हैं। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, कलीमणि पुरस्कार, शिवालिया शिवाजी गणेशन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। उन्होंने नाला वन के लिए 1984 में सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेता के लिए अपनी पहली फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत एक राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड विजेता फिल्म अपूर्व रागंगल, जो कि 1975 में आई थी, उससे की थी, जिसके निर्देशक के बालाचंदर थे। तो ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति रजनीकांत जी के जीवनचर्या पर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।